पक्ष कह रहा है कि सत्ता संपोषित है, तो नाम बताना चाहिए, कौन लोग है आखिर। अगर ऐसा है तो विपक्ष को जानकारी देना चाहिए। कई इसके बाद का आंकड़े नहीं जारी किया है लोग, भाई देश भर का आंकड़ा जारी करिएगा तब ना आप नई चुनौतियों को देखिएगा। अंगना में चुनाव में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कि बिहार का असर है उन पर। कर आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, लगातार अपराधी घटनाओं का अंजाम दे रहा है और सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है, यह कहना है विपक्ष के लोगों का। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आपराधिक घटना हुआ है आलोक जी का हुआ, उससे कोई इनकार तो करने का नहीं, और आपराधिक घटना में जो मुझे प्राप्त जानकारी है उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। अब विपक्ष कह रहा है कि सत्ता संपोषित है, तो नाम बताना चाहिए, कौन लोग है आखिर। अगर ऐसा है तो विपक्ष को जानकारी देना चाहिए, हमको नहीं दे, भाई DGP को दे, IG को दे, सीनियर SP को दे, लेकिन केवल यह बोल देना कि सत्ता संपोषित है, अपराध पर कार्रवाई के लिए अगर कोई भी जानकारी है तो वह जरूर देना चाहिए। लेकिन लेकिन यहीं तक बात नहीं रुक रही है, BJP ने यह भी आरोप लगाया है कि जब से RJD के साथ नीतीश कुमार गठबंधन करते हैं तब तब यह दिन देखने तो राजनीतिक बयान है ना, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा क्यों नहीं जारी करते हैं? ये तो पहली बार हो रहा है कि 2021 के बाद अब तक आंकड़ा नहीं जारी हुआ है, भाई उससे तो कम से कम सरकार को मालूम होता है ना, केंद्र सरकार को भी मालूम होगा, राज्य सरकार को भी, और वो भी यहाँ स्टेट होम मिनिस्टर हैं, क्या काम है उनका, यही काम है ना। ये कौन महीना हो गया, नवंबर, 21 के बाद का आंकड़े नहीं जारी किया है लोग, भाई देश भर का आंकड़ा जारी करिएगा तब ना आप नई चुनौतियों को देखिएगा। क्यों नहीं जारी कर रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है, लगातार हम इस बात को बोल रहे हैं तो भाई आंकड़ा तो जारी करिए, 2021 का आंकड़ा 22 तक जारी हो जाता था, ये 23 हो गया, क्या दिक्कत है आंकड़ा जारी करने में? तो संग्रह है, विभिन्न राज्यों के आपराधिक मामले को संग्रह करके आपको जारी करना है, एक नहीं जारी करना है, इसके पीछे क्या राज है ये तो नित्यानंद राय ही बताएंगे। लेकिन क्या यह बात सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर RJD के लोग जो है वह दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप कुर्सी जो है तेजस्वी यादव को सौंप? अरे ये सब नीतीश कुमार जी के खिलाफ 4 महीना साजिश चल रहा है, उनकी छवि को खराब करना है। कौन साजिश चला रहा है? अरे RSS BJP कर रहा है और क्या कर रहा है, देश भर में वातावरण बनाने की कोशिश हो रहा है और क्या है। कुछ RJD के नेताओं के द्वारा भी इस बात को कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बयान RJD का हम तो नहीं सुने अब तक। हम मीडिया के जरिए, कई तरह के जरिए जो है, सोशल मीडिया में कोई बोल रहे हैं तो वो आधिकारिक हैं, तो पार्टी ना आधिकारिक है, हम आधिकारिक हैं, पार्टी आधिकारिक होता है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, चाहे जो भी सम्मानित पद पर है वो बोलेंगे तब ना महत्व। अब कोई रोड पर के आदमी बोल दिया तो उसका महत्व होता है, इसका कोई महत्व नहीं है। विपक्ष अभी कह रहा है कि नीतीश कुमार उससे अब बिहार जो है संभल नहीं रहा है, उम्र हो चली है, अब नीतीश कुमार को तेजस्वी को ही गद्दी देने में भलाई है। भाई BJP को क्या जरूरत है इसका, BJP का है परेशान है, उनको परेशानी किस बात का है, भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए ना, वो तो सब कुछ से ऊपर है, सनातनी है, तो सनातनी को परेशानी क्या है, भाजपा सुविधा के अनुसार तर्क नहीं दे, यही नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने कहा है वो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है कि नीतीश कुमार जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जॉर्ज फर्नांडिस के बाद समाजवादी नेता के रूप में चिन्हित हैं, यही BJP है ना, इसी के संसदीय दल के नेता हैं नरेंद्र मोदी ना, तो उन बयानों से दरकिनार हो गए, अब क्या बोल रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, बिहार की चर्चा कर रहे हैं तेलंगाना में चुनाव में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब कि बिहार का असर है उन पर, बिहार उनको चुनौती के रूप में लग रहा है, इसलिए ये तो जानबूझ करके एक साजिश के तौर पर ही सब राजनीति में चलता है, सब चलते रहता है।
एक सवाल अभी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का इन दिनों बयान सामने आया, उसके बाद अब मीडिया से नीतीश कुमार की दूरी अब देखी जा रही है, इसकी नौबत क्यों आई? अरे भाई, नीतीश कुमार जी से पहले लोग नेता लोग बोले हैं कि नहीं अपमानजनक टिप्पणी, नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, कभी कोई ऐसा नेता पैदा लिया है जो यह कहे कि हमने जो बोला और जिसने मेरी निंदा किया हम उसका अभिनंदन करते हैं? हम तो समझते हैं कि हम लोग भी 25-30 साल से है, अब तक किसी नेता ने यह नहीं किया। नरेंद्र मोदी मांगे हैं, जीतनराम मांझी मांगे हैं माफ़ी, एक दो उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी का कौन कौन सा बयान नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय का कौन कौन सा बयान नहीं है, कभी माफ़ी नहीं मांगा, चर्चा तक के नहीं नेशनल मीडिया में हुआ, लेकिन इस बयान की चर्चा हुई इसलिए कि जो मूल विषय था उससे कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाना था, तो भटकाते रहिए, जनता उस पर सोचते रहेगी। जितना मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, लगता है कि अब आप लोगों को इससे नुकसान? ना, नुकसान कुछ नहीं होगा। जीतन राम मांझी जी के ने भी बयान दिया है ना, अपने बेटा पकड़ाया था बोधगया में, तो क्या बोले थे? अब ऐसा ऐसा बयान है जो बोलने लायक नहीं बयान है, वो हम नहीं बोल सकते हैं, तो डेट वाइज मेरे पास उपलब्ध है कि क्या कब कहाँ बोले हैं। अभी तो बीजेपी के लिए हॉट केक हो गए हैं, तो जितन राम मांझी जी को कुछ दीजिएगा कैसे ही, खाली हॉट केक बना कर रखिएगा, वो एकदम बेचैन है, उनको जल्दी कुछ चाहिए। चिराग पासवान भी जो है नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि अब बूढ़े हो चले हैं, अब आप में वो क्षमता नहीं रही कि बिहार को आप संभाल सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि पिछले दफ़े हमने क्यों एनडीए को छोड़ा था, क्यों छोड़ा था एनडीए, कई कारण उन्होंने बताया, नीतीश कुमार का भी उसमें मुख्य। उनको तो रामविलास पासवान जी का घरवा खाली हुआ उस पर ना बोलना चाहिए, यही बीजेपी वाला खाली करवाया था, वही वीडियो जारी किए थे कि हमारे पिताजी के फोटो को रौन दिया गया, आज प्रेम हो गया है, कि जो पिता के कृत्य का याद नहीं रखेगा वो जनता के कृत्य का याद रखेगा, यही चिराग पासवान जी हैं। मकान खाली करवाया गया था, बजाबता पुराना वीडियो इनका जारी करिए, कहते कि पैर के तले रौन दिया गया मेरे पिताजी का फोटो, अपमान किया गया, अब पिता का अपमान जिसने किया उसके गोदी में जाके राजनीति में बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का, इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।